What if institute ask a totally different question paper? हम before exam ऐसे difficult question paper के लिए कैसे prepare करते हैं? And today I am sharing my experience. हेलो गाइस, आई नो अभी बहुत ही डिफिकल्ट पीरियड चल रहा है, बहुत ही एंशियस होंगे आप, बहुत ही टेंशन में होंगे, पता नहीं पेपर कैसा आ पाएगा, हम अटेम्प्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. उसी के लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ. व्हाट इफ इंस्टीट्यूट आस्क अ टोटली डिफरेंट क्वेश्चन पेपर, जो अगर आपने आज तक नहीं पढ़ा है, अगर वही एग्जाम में आ गया तो आप उसके लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे. तो इसको मैंने कैटेगराइज किया कि आप एग्जाम के पहले कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं ऐसे सब्जेक्ट के लिए, एग्जाम के दिन आप क्या करेंगे, और आफ्टर एग्जाम अगर ऐसा कोई डिफिकल्ट पेपर आ गया तो आपके क्या एक्शंस होने चाहिए. डू शेयर विद योर फ्रेंड सर्कल, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हम केवल अपनी मिस्टेक से नहीं सीखें, वी लर्न फ्रॉम अदर एक्सपीरियंसेस एज वेल. एंड टुडे आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस. मुझे याद है वो दिन जब मेरा सी ए फाउंडेशन में क्वान्टिटी एप्टीट्यूड का पेपर, मैथ्स का पेपर टोटली डिफरेंट आ गया था, सी ए इंटर में मेरा अकाउंट्स का पेपर टोटली डिफरेंट आ गया था, और सी ए फाइनल में एस एफ एम का पेपर टोटली डिफरेंट आ गया था. एक या दो पेपर तो ऐसे मिनिमम आपके एग्जाम में भी आने के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं, बिकॉज इंस्टीट्यूट वॉन्ट टू चेक आपका कॉन्फिडेंस कितना है, जो आपने याद करके आया है आप उसको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, बिकॉज दे वॉन्ट टू मेंटेन देयर पासिंग परसेंटेज एट द सेम टाइम. कोई कोई डिफिकल्ट पेपर थ्रो इसलिए किए जाते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी टू द बेस्ट चेक हो पाए. सो लेट्स स्टार्ट दिस कि हम बिफोर एग्जाम ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सबसे पहला, हैव अ माइंडसेट कि हाँ यार, शायद एक या दो पेपर तो ऐसे आने ही वाले हैं, ताकि आप एकदम एग्जाम हॉल में जाएं और ऐसा पेपर आपके सामने हो तो घबराए नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया. तो प्रिपेयर मेंटली कि हाँ यार, एक दो पेपर ऐसे डिफिकल्ट आने वाले हैं और मैं उसके लिए प्रिपेयर रहूंगा. सेकेंड, हर सब्जेक्ट अलग अलग है, हर सब्जेक्ट में आपका काम अलग अलग है, और हर सब्जेक्ट का इवेल्यूएशन अलग अलग होने वाला है, तो हर सब्जेक्ट में पास होना भी आपको अलग अलग पड़ेगा. हर सब्जेक्ट में कोशिश करो कि मैं इसमें एग्जम्पशन ले आऊं. एग्जम्पशन मतलब होता है 60 प्लस मार्क्स ले आऊं, और 60 प्लस मार्क्स आप ले आते हैं तो आपके कॉन्जिक्यूटिव दो तीन जो अटेम्प्ट होते हैं उसमें आपको वो वाला स्पेसिफिक पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ती. तो मान लीजिए अगर आपके 8 पेपर हैं और 5 सब्जेक्ट में आप एग्जम्पशन लाते हैं, तो केवल आपको अगले अटेम्प्ट में अगर फेल भी हुए आप तो 3 पेपर देने की जरूरत है. मतलब अगर डिफिकल्ट पेपर कोई स्पेसिफिकली आया तो उसको आप अगले अटेम्प्ट में दीजिए, लेकिन दूसरे पेपर को खराब मत करिए. हर सब्जेक्ट अलग अलग है और आपका किरदार हर सब्जेक्ट में अलग अलग होने वाला है. सो मैं कह रहा हूं कि आपको हर सब्जेक्ट में एक एग्जम्पशन अच्छा मार्क्स स्कोर करना है. तो अब ये कैसे होगा? एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए, जिसका आपको लग रहा है कि यार ये पिछले अटेम्प्ट में तो सिंपल पेपर आया था, इस अटेम्प्ट में डिफिकल्ट आने वाला है, क्योंकि अब तो बहुत कम टाइम बचा है, इतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, स्टिल कुछ ऐसे क्वेश्चंस कर लो कि हाँ यार ये तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाले हैं, इसको तो जरूर करके जाना है, ये पास क्वेश्चन पेपर. क्यों, क्या होता है, ओल्ड कोर्स में जो एमटीपी आती थी, पुराने कोर्स में आती थी, वो भी कभी कभी इंस्टीट्यूट पूछ लेता, तो उसके लिए आपको तैयार होना बहुत जरूरी है. So for helping you do more and more practice, Ed Games is a very good app, जहाँ पर more than 1000 students registered है, they have played face offs more than 10,000 times and 1 lakh का cash reward अभी तक Ed Games distribute कर चुका है. So if you want, आप ज़्यादा से ज़्यादा practice करिए, क्योंकि practice ही काम आने वाली है. आपकी conceptual clarity अच्छी है, लेकिन अगर आपने past question paper अच्छे से नहीं किए और नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करी तो आप बहुत ही पीछे रह जाने वाले हैं. सो यू वांट, यू कैन डाउनलोड द ऐप इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर आपको प्रो मेंबरशिप भी मिल सकती है जो कि ₹50 ही है, और आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं. तो मूविंग नेक्स्ट, आफ्टर एग्जाम हॉल. ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये गेम चेंज करने वाला है. ये 5 पॉइंट लिख के रख लो. सबसे पहला, जैसे ही एग्जाम हॉल के बाहर निकलो, आपने सबसे डिफिकल्ट पेपर सॉल्व किया है, आपने अपना बेस्ट दिया है, बस खत्म. उस एग्जाम पेपर को सीधा डस्टबिन में फेंकना, अपने दिमाग से निकालना. उस एग्जाम पेपर को सीधा डस्टबिन में फेंकना, अपने दिमाग से निकालना, और फ्री हो जाना. सेकंड, एग्जाम हॉल के बाहर निकलते ही, एग्जाम हॉल के बाहर निकलते ही किसी भी दोस्त से बात करने की जरूरत नहीं कि तेरा पेपर कैसा गया, मेरा आंसर ये था, तेरा एमसीक्यू का आंसर बता, कुछ मतलब नहीं है उससे. और जो आपका सही हो रहा वो गलत होगा, जो गलत होगा वो सही होगा, तो उसको डिस्कस करना ही मत. सीधा अपने व्हीकल के पास जाना, जो आपको लेने आए हैं उसके पास जाना, और अपना घर डायरेक्ट जाना. तीसरा, डू नॉट क्रॉस चेक. जो भी क्वेश्चन आपने किया है, हो सकता है कोई क्वेश्चन याद होगा कि बोले चलो इसका तो कॉपी में पलट के देख लेता हूं, आंसर मेरा सही है नहीं, वो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे एग्जामिनर को आपके मार्क्स इंक्रीज करना है चेकिंग में मदद नहीं मिलने वाली है. आपका जैसा पेपर सॉल्व हुआ वो वैसा ही होगा. डू नॉट क्रॉस चेक, आपके सारे पेपर खत्म हो जाए उसके बाद भले कर लेना. फोर्थ, सबसे बड़ी मिस्टेक, यूट्यूब मत खोलना, क्योंकि यूट्यूब पर फैकल्टीज आने वाली है बहुत सारी कि यार मैंने तो कहा था मेरा डिफिकल्ट पेपर आएगा ही सही, मैंने तो एनालिसिस दे रखी थी, मैंने जो जो क्वेश्चन बोले थे देखो वो तो आए ही हैं. कुछ मत सोचना, क्योंकि उससे फर्क ही नहीं पड़ने वाला कि आपका अगला एग्जाम पेपर कौन सा आने वाला है. जस्ट डोंट थिंक सो, कॉन्सेंट्रेट अपने अगले एग्जाम को, बिकॉज उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके इस एग्जाम को. तो डो नॉट ओपन योर यूट्यूब, और किसी के भी रिव्यू देखने की जरूरत नहीं. फिफ्थ, एवरी एग्जाम
एवरी सब्जेक्ट इज अ डिफरेंट गेम, यू प्लेड वेल, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट गेम. हर एग्जाम, हर सब्जेक्ट अलग अलग है, तो मत सोचो कैसा गया है. और बस ये दिमाग में मेंटेलिटी रखो, ये तीन ब्रांचेस में मैंने डिवाइड किया इसको, कि आफ्टर एग्जाम, बिफोर एग्जाम और इन द एग्जाम आपको कैसे परफॉर्म करना है. और मत सोचो अगर एक बिगड़ा तो सारे नहीं बिगड़ रहे. दूसरे एग्जाम, दूसरे सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करना. एंड ऑल द बेस्ट. कोई भी डाउट हो लेट मी नो, और इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बिकॉज मैंने ये सारी चीजें गलती करी थी. मेरे एक्सपीरियंसेस से आप सीख लो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है. हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर.